सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि भारत का हर नागरिक भारतीय गणराज्य की सार्वभौम सत्ता अक्षुण रहे, सुरक्षित रहे, विकसित होती रहे, इसके लिए पूरी तरह से समर्पित रहता है। और जब कभी भी स्वतंत्रता दिवस हो अथवा गणतंत्र दिवस हो, इस स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भी पास्ट है, पिछला है, हम उसका सिंहावलोकन करते हैं कि हमने अब तक क्या खोया है, हमने अब तक क्या पाया है। यह एक ऐसा अवसर होता है कि हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब से भारत का संविधान लागू हुआ है तब से हमने क्या खोया है, क्या पाया है, इसका भी मूल्यांकन करने का यह समय है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने इसका भी मूल्यांकन करने का यह समय है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने अभिभाषण में, अपने उद्बोधन में बहुत सारे विषयों की ओर ध्यान इस देश का आकर्षित किया है। और सब मिला जुलाकर मैं यदि देखूं तो मैं कह सकता हूं कि उन्होंने भी ऐसा महसूस किया है कि भारत इस समय संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जिस भारत के संविधान को हम एक पवित्र दस्तावेज मानते हैं, और जिस समय भारत का संविधान हम लोगों ने लागू किया था, हम लोगों का विश्वास यही था कि भारत के संविधान के तहत सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, सबको समान रूप से जीने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन भारत के संविधान में यह अधिकार होने के बावजूद सचमुच सबको जीने का समान अधिकार आज तक गणतंत्र के 63 वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी नहीं प्राप्त हो सका। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम अपने भारत के संविधान को ही गलत माने अथवा भारत के संविधान पर हम उंगली उठाएं। मैं तो यह मानता हूं कि इस भारत के संविधान के को लागू करने वालों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस गणतंत्र के 63 वर्ष गुजर जाने के बावजूद उन्होंने सबको जीने का समान अवसर नहीं दिया है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, वह इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद आर्थिक विषमता की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे भारत में बहुत बड़ा ऐसा समूह है जिन्हें भूखे पेट अपनी रात गुजारनी पड़ती है। हिंदुस्तान की गांव की झोपड़ियों में ऐसे लोग भी हैं, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा का विकास करने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। आज भी हम उन्हें अवसर नहीं दे पाए हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। योग्यता, प्रतिभा और क्षमता बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में और बड़ी बड़ी महलों में ही नहीं पैदा होती है। योग्यता, प्रतिभा और क्षमता जी पैदा होती है तो गांव के गरीबों की झोपड़ियों में भी योग्यताएं और प्रतिभाएं पैदा होती हैं। और हमारा भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है ऐसी योग्यताओं को, ऐसी प्रतिभाओं को, ऐसी क्षमताओं को और अधिक विकसित होने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। नहीं हो पा रहा, कैसे होगा? इसके लिए ऐसी सत्ता चाहिए जो कि भारत के संविधान की मंशा को समझती हो और साफ नीयत से उस मंशा के अनुरूप काम करने की कोशिश करे, तभी संभव होगा। हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने जहां पर बहुत सारे संकटों की चर्चा की है, वहीं पर इस देश में एक नैतिक संकट की भी उन्होंने चर्चा की है। नैतिक संकट की जब उन्होंने चर्चा की तो सचमुच मेरा भी दिल उसे स्वीकार किया। संकट तो बहुत सारे हैं, कोई कह सकता है आर्थिक संकट है, कोई कहेगा भारत में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट है, भ्रष्टाचार को लेकर संकट है, बहुत सारे संकटों की लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा संकट यदि कोई है तो चरित्र का संकट है और नैतिकता का संकट है, यह सबसे बड़ा संकट है। लेकिन हमारा गौरवशाली भारत का अतीत यदि उस पर नजर उठाकर यदि कोई देखे तो आज प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है। उसी महाकुंभ में सम्राट हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में जब गए थे तो वहां पर जब गरीबों को उन्होंने देखा तो जो भी धन दौलत थे अथवा जो उनके कीमती वस्त्र और आभूषण थे,
क्योंकि वह भी राजा होने के बावजूद एक संवेदनशील प्राणी थे। उन्हें सब उतार कर वही दान कर दिया और एक पतली सी धोती लपेट कर तब वह महाकुंभ से वापस हुए थे। उसको देखते हुए किताबे हिंद जिसे अलवरूनी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि दुनिया के कई देशों में हमें जाने का अवसर मिला है, लेकिन मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ, नैतिक मूल्य यदि हमको देखने को विश्व की किसी धरती पर मिला है तो केवल भारत की धरती पर मिला है। यह किताबे हिंद में अलवरूनी ने लिखा है। यह भारत का इतना गौरवशाली अतीत रहा है। मैं समझता हूं भारत के गौरवशाली अतीत से हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि वह विद्वान व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से यह बात कहीं ना कहीं उनके मर्म को चोट पहुंचाती होगी, शायद इसीलिए भी कहा। हम सभी जितने भी भारत के नागरिक हैं, सारी चीजों के साथ साथ भारत में पैदा हुए इस चरित्र के संकट को, इस अमूल्य के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और इस पर विजय हासिल करने की कोशिश करें। और महात्मा गांधी ने जो कहा था 1909 में हिंद स्वराज में लिखा था कि हम ब्रिटेन से मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन हम यदि ब्रिटेन जैसा बनना चाहते हैं तो सच्चे अर्थों में हमें स्वराज कभी नहीं हासिल हो सकता। इसको भी समझना होगा हमें। यदि पाश्चात्य मूल्यों के प्रति हमारा निरंतर आकर्षण यदि बढ़ता रहेगा तो हम जिस सच्चे स्वराज की हमने कल्पना की थी वो कभी हासिल नहीं किया जा सकता। इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे भी हम सबको समझने की आवश्यकता है। आज अतीत का सही मूल्यांकन करते हुए, सही विश्लेषण करते हुए हम आज दृढ़ संकल्प ने भारतीय गणतंत्र की सार्वभौम सत्ता को दुनिया की कोई ताकत कभी हिला नहीं सकती है, इसको अक्षुण बनाए रखने के लिए, इसको विकसित रखने के लिए यदि हमें अपनी जान भी हथेली पर लेकर लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे और भारतीय गणतंत्र की सार्वभौम सत्ता को हम पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी तरफ से पुनः आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए और समस्त देशवासियों को भी हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।